नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। 5G इंटरनेट सेवा को लेकर देश और विदेशों में सस्पेंस बना हुआ है। हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने कुछ अमेरिकी एयरपोर्ट पर उतरने वाली अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वहां लगाई जाने वाली 5G मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी कुछ विमानों के उपकरणों को प्रभावित कर सकती है। विमानन कंपनियों के मालिकों और संघीय उड्डयन प्रशासन से संभावित समस्याओं के बारे में चेतावनी के बाद दूरसंचार कंपनियों ATT और वेरिजोन ने अमेरिकी हवाई अड्डों के आसपास कुछ 5G मास्ट को सक्रिय करने में देरी की। लेकिन 5G विमानों के साथ कैसे हस्तक्षेप कर सकता है और क्या समस्या को ठीक किया जा सकता है, चलिए एक नजर डालते हैं। एयरपोर्ट के आसपास 5G इंटरनेट सेवा से होने वाले नुकसान को लेकर अमेरिका में बहस जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5G की वेव्स फ्लाइट्स के नेविगेशन सिस्टम पर प्रभाव डाल सकती है। इस डर से ही पिछले कुछ दिनों में कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अमेरिका के कई एयरपोर्ट्स के लिए अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। विमान कंपनियों की शिकायत के बाद अमेरिकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी AT&T और वेरिजोन ने 5G सर्विस पर काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया है। अब सवाल ये है कि 5G फ्लाइट्स पर कैसे असर डालता है और क्या इस परेशानी का कोई हल है। इस मसले पर कैम्ब्रिज के रिसर्च ग्रुप के डायरेक्टर सूफियन ने कई अहम जानकारियां दी। सबसे पहले आप 5G सर्विस को समझिए। इस समय दुनिया भर में इंटरनेट की 5G सर्विस पर फोकस किया जा रहा है। 5G इंटरनेट और मोबाइल फोन तकनीक की 5वीं पीढ़ी है। अभी भारत में 4G इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 5G 4G की तुलना में 100 गुना तेज नेटवर्क स्पीड मुहैया कराता है। 5G इंटरनेट की स्पीड और उसका कवरेज का क्षेत्र बढ़ाने के लिए अमेरिकी कंपनियों ने सी बैंड फ्रीक्वेंसी को यूज करने की योजना बनाई है। इसके तहत 3.7 और 3.98 GHz फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाना है। अब आपको बताते हैं कि पायलट को इससे परेशानी किस तरीके से आती है। ये फ्रीक्वेंसी आधुनिक विमानों में ऊंचाई मापने के लिए उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी के नजदीक होती है। फ्लाइट्स में रेडियो अल्टीमीटर के जरिए ऊंचाई मापी जाती है। यह सी बैंड 4.2 से लेकर 4.44 GHz पर संचालित होता है। पायलट विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए रेडियो अल्टीमीटर का उपयोग करता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग धुंध के समय किया जाता है, जब रनवे को देख पाना मुश्किल होता है। ऊंचे पहाड़ों में घिरे एयरपोर्ट्स पर पायलट हमेशा इसका उपयोग करते हैं। विमान कंपनियों की चिंता का कारण 5G और रेडियो अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी के बीच बेहद कम अंतर होना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5G टावरों से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी रेडियो अल्टीमीटर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को प्रभावित कर सकती है। एयरपोर्ट पर 5G सर्विस का इस्तेमाल करने वाले अनजाने में रेडियो अल्टीमीटर का सिग्नल खराब कर सकते हैं। लैंडिंग के दौरान कुछ सेकंड के लिए भी ऐसा होता है, पायलट भ्रमित हो सकता है, उसे गलत जानकारी मिल सकती है। 5G सेवा का इस्तेमाल कर रहे कुछ देशों में सी बैंड फ्रीक्वेंसी का उपयोग बिना किसी परेशानी के किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर UK में 5G की फ्रीक्वेंसी 4 GHz तक है, लेकिन हवाई अड्डों के आसपास कम पहाड़ होने से जोखिम कम हो जाता है। हालांकि कुछ दूसरे यूरोपीय देशों में 5G के लिए 3.8 GHz तक की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका एक अच्छा विकल्प 5G के लिए 24 GHz से लेकर 47 GHz तक की फ्रीक्वेंसी का उपयोग करना होगा। ऐसा करने से इंटरनेट तेज गति से काम तो करेगा, लेकिन कवरेज कम होने के कारण टावर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा फ्रांस और कनाडा में फ्लाइट्स को परेशानी से बचाने के लिए टावरों के सिग्नल बेहद कम कर दिए जाते हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।